आप देख रहे हैं ईटीवी भारत और ये है न्यूज टाइम। बिहार के सुपौल में बन रहे देश के सबसे बड़े पुल का हिस्सा ध्वस्त, 3 पिलर का गर्डर गिरा, 1 की मौत, कई लेबर घायल। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह का लालू और दिल्ली सीएम पर हमला, बोले लालू से बड़ा तानाशाह कोई नहीं। केजरीवाल ने अन्ना हजारे और जनता के साथ किया धोखा। कन्हैया कुमार को नहीं मिला बेगूसराई से टिकट, सीपीआई ने अवधेश कुमार राय की उम्मीदवारी का किया ऐलान, केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह से हो सकता है मुकाबला। आरजेडी में टिकट बंटवारे को लेकर सम्राट चौधरी ने लालू यादव पर किडनी लेकर टिकट देने का लगाया आरोप, तो आरजेडी ने किया पलटवार, कहा क्या सम्राट चौधरी अपने माता पिता को गिरवी रखकर राबड़ी मंत्रिमंडल में हुए थे शामिल। शिक्षा विभाग ने छात्रों को दी बड़ी राहत, डिग्री कॉलेज में भी कर सकेंगे 12वीं की पढ़ाई। भोजपुर में भीषण सड़क हादसा, ट्रक ने 6 लोगों को कुचला, 4 की मौत। बक्सर पुलिस की बर्बरता, रात में चोर की तरह घर में घुसकर तोड़फोड़, किसानों को लाठी डंडे से पीटा, राजद नेता सुधाकर सिंह ने सरकार से ऐसे पुलिस कर्मियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की। कैमूर पुलिस ने हथियारबंद अंतर्राज्यीय अपराधी को किया गिरफ्तार, 1 कट्टा और 5 गोली के साथ दबोचा। ट्रेनों में होली पर घर जाने को लेकर भारी भीड़, जान जोखिम में डालकर यात्रा कर रहे लोग। बिहार दिवस पर मसौढ़ी में स्कूली छात्राओं ने निकाली साइकिल रैली, मतदाताओं को किया जागरूक। ईटीवी भारत की खबरों को विस्तार से जानने के लिए लॉगिन करें www.etvbharat.com।